मन से नमन करते हैं और उनको भावपूर्वक जो है श्रद्धांजलि देते हैं। हम उनकी जो फैमिली है उनको भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको यथाशक्ति दे ताकि उनके जो क्षति हुई है उनको साहस दे और उसको बर्दाश्त करने के लिए। साथ में ही हम ये भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे जो शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए। और साथ में हम सरकार से ये भी दरख्वास्त करते हैं कि जो चाइना की जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उनका बहिष्कार किया जाए और उन पर जो है वो रोक लगाई जाए और चाइना को जो है इकोनॉमिक स्थिति से और कूटनीतिक स्थिति से और आर्मी की हमारी शक्ति से उनको अलग थलग किया जाए और उनको जो है वो सबक सिखाया जाए। यही हमारे और हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनमें बहुत जोश है और उनमें बहुत आक्रोश है और चाहे तो हम भी जो उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा हम तैयार हैं। सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। अब वो हमारी स्थिति नहीं है कि जो 1962 की अब ये जो 2020 का है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, हम दोनों तरफ से जो है उनके दांत खट्टे करने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि चाइनीज़ जो है वो जो आर्मी है वो प्रोफेशनल नहीं है और हमारी आर्मी जो है प्रोफेशनल है और हमें जो है वो हाई अल्टीट्यूड में और माउंटेन में जो है वो फाइट करने का हमारा पूरा हमें एक्सपीरियंस है और हम कोई किसी भी स्थिति का हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारी फौज पूरी तरह से तैयार हैं और चाइना को अब ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वह 1962 की जो स्थिति है अभी हम उनके दांत खट्टे कर देंगे और हमारे जो जो सीमा है उनको अंदर नहीं आने देंगे, उनको हम खदेड़ने के लिए पूरी तरह से हम सक्षम हैं।